हेलो फ्रेंड अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो एक नई जानकारी के लिए आए हैं और एक अच्छी जानकारी के लिए आए हैं जो कि हम आपको यहां पर देने वाले हैं So गाइस वीडियो चालू करने से पहले हम आपको बता दें अगर आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ये हमारा पहला प्रोसेस है आपका जो भी खराब पेंट है पपड़ी देने वाला एरिया है वहां से आपको पेंट को अच्छे से छील कर निकाल दें कितना भी बड़ा खड्ढा होने वाला हो तो होने दे वो सब रिपेयर हो जाएगा स्मूथ हो जाएगा वो जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं फ्रेंड ये हमारा पीओपी है और ये वाल पुट्टी है जेके वाल पुट्टी जो हम पूरी वाल पर करते हैं यहाँ पर हमें सिर्फ रिपेयर करना है दोनों बराबर बराबर आपको ले लेना है दोनों बराबर बराबर लेने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर दें, सूखे में ही सूखे में ये जल्दी मिक्स हो जाता है इसमें पचास परसेंट पानी मिक्स होएगा पानी मिक्स डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ले पेस्ट तैयार कर फ्रेंड और इस बात का ध्यान रखें इसको साफ सुथरी जगह पर बनाएं इसमें कोई रेत वगैरह ना घुसने पाए जो कि आपको बहुत ही स्मूथ रिफेयर करने होंगे फ्रेंड यहाँ पर आपको सिर्फ दीवार को छीलनी थी अभी रेगमार नहीं लगाना था और न ही लगाना यहाँ पर हम आपको बताएंगे कब और क्या कैसे करना है इस वीडियो में फ्रेंड जितने भी एरिया को आपने निकाले हुए हैं उस एरिया में आप रिपेयर कर दें रिपेयर आप के दो से तीन बार होंगे, दो से तीन कोट होंगे। अगर आप पुराने हैं तो स्मूथ करेंगे अगर आप नए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसको रिपेयर करना है चाहे ऊंचा हो नीचा हो जो आपने खड्ढे भरे हुए निकाले हुए हैं जो जिस जगह से आपने पुट्टी निकाली हुई है उस एरिया पे आप दो से तीन बार भर दें अपने आप ही ये लेबल में आ जाएगा अगर ऊपर हो जाता है ओवर हो जाता है तो भी दिक्कत नहीं है आपको सिर्फ अभी ध्यान में यही रखना है कि इसको आपकी भराई कर देनी है जब आपकी ये रिपेयर कंप्लीट हो जाए तो ये 220 नंबर का रेगमार है इस तरह से मीटर में आता है तो एक टुकड़ा फाड़ के आप इसमें सेंडिंग कर लें इस पर रेगमाल लगा लें 220 नंबर से अब आप यहां पर पूरी वाल पर सेंडिंग कर सकते हैं कोई भी एरिया नहीं छोड़नी है आपको जिस एरिया में आपने रिपेयर कर रखे हैं इसको बहुत ही अच्छे से घिस के लेवल में ले आ देना है अगर ओवर है बिल्कुल लेबल में ले आ देना है जब आपका ये कंप्लीट हो जाए जब आपका का काम कंप्लीट हो जाए इसको डस्ट को आप क्लीन कर दें फूल झाड़ू से या फिर कॉटन से फ्रेंड ध्यान रखें आसपास की एरिया का जो भी डस्ट है उसको साफ कर दें खिड़की दरवाजे जितना भी डस्ट निकलने वाला है सब निकाल दें क्योंकि आपका अगर कोट डल गया तो ये डस्ट उड़ के आपकी वाल पर चिपकेगा इसलिए इसको पहले ही क्लियर कर दें ये हमारा एशियन पेंट्स का ऑयल प्राइमर है इसकी कवरेज एरिया 300 स्क्वायर फुट है एक कोट इसकी मिक्सिंग है रेशियो एक लीटर प्राइमर में आपको एक लीटर तारपीन ऑयल मिक्स करना है जो कि हम ये मिक्स करके आपको दिखा दिए हैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले फ्रेंड ऑयल प्राइमर लगाने का फायदा ये रहता है कि जो भी आप रिपेयर कर रखे हैं और एक लीटर तारपिन ऑयल मिक्स करने का रीजन ये है जो भी आप रिपेयर कर रखे हैं उसके अंदर एंट्री कर जाता है ये जो कि काफी मजबूत हो जाता है उसके अंदर एंट्री करने पर और अगर हम इस जगह पर वाटर प्राइमर लगाते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर ही फैलता है इसके अंदर इंट्री नहीं कर पाता है प्राइमर आपको पूरी वॉल पर लगाना है जहां पे भी आपको पेंट करना है पूरे एरिया में आपको प्राइमर लगा लेना है प्राइमर लगाने के बाद जब आपका प्राइमर का कोट कंप्लीट हो जाए तो इसको आप छोड़ दे सूखने के लिए आप नेक्स्ट डे के लिए भी छोड़ सकते हैं और चार से पांच घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं जो कि अच्छे से ए, सूख जाए जब तक ये सूखेगा नहीं आपका पेंट अच्छे से पकड़ेगा नहीं इसलिए इसको सुखाना बहुत ही जरूरी होता है ये हमारी गाइस पहले की दीवार है अब यहाँ प्राइमर लग चुका है यहाँ डबल कलर में है एक डार्क है एक लाइट है फ्रेंड डार्क वाली दीवार पे हम आपको बताएंगे कैसे करना है और लाइट वाली दीवार पर कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे यहाँ प्राइमर हमारा कंप्लीट हो चुका है और चार से पांच घंटे ये सूख भी चुका है उसके बाद अगला प्रोसेस है फ्रेंड हमें पेंट करने हैं। वॉल पर ये हमारा एशियन पेंट का रॉयल साइन है ये इसका कलर पिचासी तिरसठ ये बेस कोट में बना हुआ है बेस पेंट में जो एस एन थ्री है अगर इस कलर का हम फार्मूला लेके वाइट में बनाते हैं एस एन थ्री पेंट नहीं लेते हैं तो कलर में थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है बिल्कुल प्रॉपर कलर नहीं आएगा इसलिए एस एन थ्री मटेरियल होता है बेस पेंट होता है जिसमें कलर बनता है और इसमें पानी आधा मिक्स करना है पचट फ्रेंड अब हम आपको बता दे जो डार्क वाली दीवार पे दीवार है उस पर हमें एक कोट व्हाइट का लगाना पड़ेगा वाइट लगाने से फायदा यह रहता है ये हमारा कलर लाइट है अगर डायरेक्ट कलर पे करेंगे चार से पांच कोट लग जाएगा इसलिए हम वाइट कोट कर देंगे तो थोड़ा सा पेंट भी कम लगेगा और जल्दी इसके निशान छिप जाएंगे फ्रेंड हमने व्हाइट का कोट लगा दिया है दो से ढाई घंटे सूख भी चुका है अब हम फर्स्ट कोट करेंगे फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे गाइस इस पेन ये हमारा रॉयल साइन है इसका कवरेज एरिया है नब्बे स्क्वायर फुट नब्बे से सौ स्क्वायर फुट ये हो जाता है तीन कोट अगर आपकी वाल सही है अगर आपने प्राइमर लगा दिया है तो इसका कवरेज एरिया बढ़ भी सकता है 110 तक जा सकता है अगर आपने प्राइमर नहीं लगाया डायरेक्ट आप कोटिंग कर रहे हैं तो आपका 90 स्क्वायर फुट होएगा फ्रेंड इस पेंट का पेंट आपको किन दीवारों पे लगाना है आपकी वॉल बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए रॉयल साइन जब भी आप लगा सकते हैं नहीं तो ये थोड़ा सा इसमें चमक रहता है जो कि आपकी दीवार की सारी कमी नज़र आती रहती है इसलिए इस पेंट को हमेशा स्मूथ वाल पर ही लगाते हैं यहाँ हमारा फर्स्ट कोट कंप्लीट होने वाला है और हम इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए दो से ढाई घंटे जब ये हमारा पेंट अच्छे से सूख जाएगा हम इस पर डबल कोट लगा देंगे डबल कोटिंग गाइस कोई जरूरी ये नहीं है कि दूसरे कोट में बिल्कुल सही आ जाए अगर दूसरे कोट में सही नहीं आएगा तो आपको तीसरा कोट लगाना पड़ जाएगा अगर तीसरे में भी डार्क दीवार है आप व्हाइट नहीं किए हैं तो आपको तीन से चार कोट भी लगाना पड़ सकता है गैस पहला कोट लगाने के बाद एक बार फिर से अपनी वाल का रिपेयर चेक कर लें अच्छे से कोई बारीक खड्डे वगैरह रह जाता है तो उसकी फिर से एक बार भराई करनी पड़ेगी यहाँ भराई हम चाक पाउडर से कर रहे हैं जिसमें आपको पानी नहीं मिक्स करना है जो पेंट आप कर रहे हैं वही पेंट मिक्स करना है मिक्स करके आप इस तरह से पेस्ट तैयार कर लें और जितने भी बारीक गड्ढे हैं उस पर आप रिपेयर कर दे यहाँ हमने आपको रिपेयर वाइट दीवार पे दिखाया है जो डार्क थी अभी इसमें हमने कोटिंग नहीं किया हुआ है यहाँ व्हाइट का भी हमने वही पेंट यूज किया है रॉयल साइल वाइट पेंट पे हमने आपको इसलिए छोड़ा हुआ है इस वाल को इसलिए छोड़ा हुआ है कि आप चेक कर सको देख सको और इस रिपेयर को आप समझ सको इसलिए हम वाइट पे रिपेयर करके आपको दिखा रहे हैं जो कि हम अगर कलर वाली दीवार पर दिखाते तो ये शायद कैमरे में नज़र नहीं आता इस तरह से कुछ इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि जो भी बारीक सुराख है इस तरह से हमें रिपेयर कर देने हैं ये हमारी पहले वाली दीवार है जिस पे हमने वाइट कर रखे हैं इस तरह से जब आपका रिपेयर सूख जाए तो आप ये पेपर वाला रेगमार लेके आप 320 नंबर से इसकी सेंडिंग कर दें रेगमार लगाते हैं अच्छे से जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए इसको कॉटन से साफ कर दें साफ़ करने के बाद गाइस जितने भी एरिया में आपने रिपेयर किए हैं वहां पर आप ऑयल प्राइमर एक बार फिर से लगा दें। Friend, लगाना बहुत ही जरूरी है अगर आप ऑयल प्राइमर इस पर नहीं लगाते हैं तो आपका पेंट तो इस बार हो जाएगा कहीं नहीं निकलेगा लेकिन जब भी आप नेक्स्ट बार पेंट कराएंगे और इसकी परत मोटी होएगी पेंट की तो जहां पर चांस बन जाते हैं पपड़ी देने के जो आपको छोटी-छोटी जगह में नजर आते रहते हैं कि पपड़ी दे दिया तो आप रीजन उस चीज उस पपड़ी देने का रीजन आप समझ नहीं पाओगे इसलिए आपको प्राइमर लगा देना बहुत ही जरूरी होता है जो कि पपड़ी देने का चांस बिल्कुल लाइफ टाइम में खत्म हो जाता है इस तरह से गाइस इस पेंट का लाइफ 10 से 15 साल तक आप बढ़ा सकते हैं अगर आप यहीं पर अगर आप गलती नहीं करेंगे तो ये पेंट का लाइफ आपका चार से 5 साल बहुत ही ज्यादा होएगा तो सात से आठ साल इससे ज्यादा नहीं होएगा उस एरिया से पपड़ी दे देगा फ्रेंड ये हमारा फाइनल कोटिंग चल रहा है जो हम इस वाल को फाइनल कर रहे हैं इस रोलर के थ्रू गाइस so ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा लाइक like करना हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग माय फ्रेंड